यस गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर हेयर, राइट? ओके, ऑल राइट. सो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखा दिया था, राइट? ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आई वाज अनेबल टू कनेक्ट विद यू ऑल, बट राइट नाउ आई होप आप सभी को मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ. क्यों? पुलकित सागर एंड एवरी वन, बहुत सारी से बालक बालिकाओं, दिस इज ड्रैगन, है ना, कुमारी आ गई है, पुलकित सागर, आमिर हुसैन, ये सारे बड़े रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, राइट पुलकित? तो भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस. चलो शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहले मैं बता दूं, SSC का नाउ एंड नेवर धमाका जो आ चुका है, देख लो भाई, अभी तुम लोगों को अनअकैडमी पे +6 month और +12 month मिल रहे हैं. तो आप में से जिन्हें अनअकैडमी पे जुड़ना है, जुड़ो, मेहनत करो, ठीक है? चलो गाइस, यहाँ से शुरू करते हैं. आप सभी का द बेस्ट एंड मोस्ट अवेटेड सीरीज जो कि है SSC CGL एग्जामिनेशन से रिलेटेड. बेटा आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी नेक्स्ट मंथ तुम लोगों का अगस्त महीने में SSC CGL प्लान कर दिया गया है. 13 अगस्त से तुम्हारे CGL के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं. 4th of August से लेकर आपका 12th of August तक CHSL के पेपर लगे हुए हैं. तो बेटा आप बिल्कुल आराम से मेहनत करते जाइए और इस बार SSC आर्या पार करते जाओ. चलो आओ, सबसे पहला प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है. अब जरा इसको फटाफट देखो, सोचो, समझो और लगाओ कि क्या होगा. हेलो जी, हेलो, सभी को हेलो है. चलो फटाफट लगा दो, जुड़ जाओ. चलो वेरी नाइस. सो सबसे पहला प्रश्न है, सेवरल ग्रेट बैटल्स, बहुत से बड़े बड़े जो महान युद्ध हैं टुक प्लेस हुए हैं. टेक प्लेस मतलब हो ना, कोई भी चीज घटित होती है. अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स, देखो द लगा के, अगर ब्रिटिश एंड द लगा के कोई भी आप एडजेक्टिव लगा रहे हो, है ना, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो देखो, ब्रिटिश लोगों और अमेरिकन्स के बीच में दो लोग जब भी दिए जाते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये प्रपोजिशन का प्रयोग है. प्रपोजिशन के यूज को आपको बहुत कायदे से करना था, ठीक है? ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कर दोगे. अमंग का प्रयोग हम जब दो से ज्यादा की बात करते हैं तब होता है. यहाँ पे केवल दो लोग थे इसलिए क्या हो जाएगा, अमंग के प्लेस पे आपको बिटवीन कर देना है. कभी भी अगर दो व्यक्ति हो, मैं बोलूं आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मैंगोज या दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, अगर केवल दो लोग हैं तो बिटवीन लगेगा, अगर मोर देन दो लोग हैं तो उसके लिए अमंग लगा दूंगी. जैसे मैं बोल दूं आई वॉज सिटिंग बिटवीन टू पैसेंजर्स, राइट? ही मेड हिज पोजिशन अमंग द स्टूडेंट्स, राइट? मोर दो से ज्यादा के लिए अमंग, दो लोगों के लिए बिटवीन. चलो तो समझ में आ गया ना, सेकेंड या बी ऑप्शन जो था दैट इज रॉन्ग. कूल, आ जाओ इसे देखना है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग लगा पाएंगे, कितने लोग कर पाएंगे, है ना? आ जाओ, ऑल द बेस्ट. निखिल साय रेड्डी भी आ चुकी हैं, विभा कुमारी आ चुकी हैं, पुष्प शिखा, भाई ये बहुत पुरानी बालिका है, लगातार मैं जब से यूट्यूब के सेशंस ले रही हूँ तब से ये बालिका मेरे साथ में जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है भाई. पुष्प शिखा बेटा लगा दो, आपका मोस्ट अवेटेड सीरीज शुरू हो चुका है यहाँ से. आप इसको देखते हैं क्या करोगे. देखो गाइज, यहाँ पे अपने को इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है. इन्फिनेटिव 2+V1 होता है, ठीक है? जैसे तुमने यहाँ पे 2 देखा ना, 2 के बाद में राउंडिंग नहीं करोगे, केवल क्या कर देना था, 2 के साथ में राउंड कर देते, नंबर मिल जाता. राउंड द बेंड का मतलब जानते हो, कोई चीज जो डिफरेंट है, थोड़ी अदर है, अलग सी है, राइट? हाँ जी, तो बस राउंड द बेंड का इधर देखो, द स्ट्रीम गर्गल, जो स्ट्रीम है ना, गर्गल मतलब होता है बुदबुदाना, ठीक है? हाँ देखो, जो स्ट्रीम थी वो क्या कर रही थी, बैबल कर रही थी, बर्बल कर रही थी, है ना, बबलिंग साउंड कर रही थी. जो धारा बह रही थी वो बबलिंग साउंड कर रही थी. आगे देखते हैं, कंटेंटली एज इट, कंटेंटली मतलब संतोषजनक मैनर में, है ना, एक ऐसा मैनर जो सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस को शो करे. तो बस जो धारा थी वो कैसे कर रही थी, गर्गल कर रही थी, बहुत ज्यादा बुलबुला रही थी, है ना, उसमें बहुत सारे बबल्स बन रहे थे संतोषजनक मैनर में, एज इट, जैसे कि वो शो कर रही हो, टू राउंड द बेंड. सुनो गाइज, टू राउंड द बेंड, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मैड हो जाना, ठीक है, एकदम इनसेन हो, जैसे कि वो पगला गई हो. जो धारा है वो इतना शोर कर रही थी, तो बस यहाँ पे जैसे कि वो पगला गई हो. तो पगला जाने के लिए हमारा एक idiom यूज होता है, दिस इज, आ जाओ, दिस इज राउंड द बेंड. राउंड द बेंड का मीनिंग है मैड हो जाना, इनसेन हो जाना. फटाफट लगा दो, इधर केवल 2+V1 लगाना था, स्लोड के बाद में इधर आओ, 2+V1 करना था, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना था. क्लियर है सभी को? विभा एंड एवरीवन,
रोमियो मुर्मू बेटा हेलो, चलो डन आ गया। इधर देखो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में गलती थी, राइट, इधर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रिमिनल चेंज हिज नेम टू एन डैश 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 इन ऑर्डर टू एल्यूड द पुलिस। बेटा एक काम करो, जो भी तुम्हारे भाई बहन फ्रेंड जो हैं एसएससी में बैठने वाले हैं, यहाँ पे मैं तुम्हें रैपिड फायर करा रही हूँ, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का से पेपर आया हुआ है उसे मैं डन करा रही हूँ, और इससे अच्छी तैयारी तुम्हारी कहीं और नहीं हो सकती। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी है तो अब लग जाओ, आओ। देखो जो क्रिमिनल है ना, जो भी अपराधी था, उसने चेंज कर लिया अपने नाम को। और पता है गाइस, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम चेंज कर लेना, उसके लिए एलियस का प्रयोग किया जाता है। एलियस इज समथिंग यूज्ड व्हेन गिविंग द नेम दैट अ पर्सन इज जनरली नोन बाय। उसको ऑल्टर करके, उसको चेंज करके ना अपना उपनाम अगर लेकर आ जाए। ऑल्टरनेटिव तो वैकल्पिक होता है, तो वैकल्पिक तो यहाँ पे नहीं होगा, हटा दो। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब नहीं है, ऑप्शन विकल्प होता है, ये भी नहीं है, अनट्रू मतलब कोई भी चीज जो सत्य नहीं है, हटा दो। तो बचा एक ऑप्शन, दिस इज एलियस, इसे लगाओ, दिस इज सेकेंड या बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। द डैश डैश डैश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, संख्या बढ़ती जा रही है, फटाफट लगाओ। अंकित यादव जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो गाइस, माय हस्बैंड एंड आई हैड, मेरे पति और मेरे बीच में क्या हुआ, क्वेरल यानी झगड़ा हुआ। ठीक है, वॉज सो लाउड, झगड़ा इतना तेज था, इट वो कार चिल्ड्रन के बच्चों, हमारे झगड़े ने बच्चों को उठा दिया, ये बोला जा रहा है। ठीक है, देखो कोरल तो एक हार्ड स्टोनी सब्सटेंस होता है, तो यहाँ पे वो जो पत्थर नगीना होते हैं उनको हटाओ, यहाँ से कोरल नहीं है। मोरल यहाँ पे नैतिकता की बात नहीं है, लॉरल इज समथिंग रिलेटेड टू कोई चीज बेस्टो करना, अवार्ड वगैरह जो होता है ना। हाँ जी, तो हटाओ गाइस, ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। कह रहा है जो क्वेरल, जो लड़ाई थी ना मेरे पति और मेरे बीच की, वो इतनी तेज थी कि मेरे बच्चे जग गए इस लड़ाई से, ऐसा बोला जा रहा था। ठीक है, बिल्कुल विशाल, निखिल, अंकित यादव, वेरी नाइस, कुमारी जी, मैं देखती हूँ जैसे शिखा हो गई, कुमारी हो गई, ये ऐसी बालिकाएं हैं, पहले दिन से जब मैंने YouTube लेना शुरू किया ये बच्चे मेरे साथ तब से अटेंटिव हैं। तो बेटा ऐसे ही जिस तरह से तुम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, जिस तरह से तुम लोग जुड़ते जा रहे हो, खूब मेहनत करो, खूब सारे से तैयारी करो। और बेटा ये है आपका मैजिकल कोड जिसको आपको लगाकर अभी जो अकेडमी पे मेरी 7 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, अगर तुम लोग प्रॉपरली इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हो अपकमिंग पेपर के लिए तो जुड़ो। ठीक है, ये देखो लेटर बहुत बार आया है पेपरों में, लेटर का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना डोंट लेटर हियर। अजीत कुमार जी, अजय कुमार प्रधान जी, वेरी नाइस, निखिल लगाओ। लेटर मतलब होता है कूड़ा, है ना, कोई भी चीज जो वेस्ट होती है ना, जो जंक होती है ना तुम्हारी, वो लिटर होता है। आ जाओ ट्रैश, ट्रैश इज समथिंग रिलेटेड टू कचड़ा, राइट। ऑर्डर तो आदेश होता है, पसस मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, रखना। सिस्टम मतलब होता है कोई भी, मैंने आपको बता रखा है, सिस्टम इज समथिंग रिलेटेड टू कोई भी जो प्रॉपर एक सीक्वेंस चला आ रहा है वो। तो ये तीनों ही ऑप्शन हटाओ, लेटर मतलब कूड़ा कचड़ा, बस कूड़े कचड़े से रिलेटेड ए ऑप्शन या पहला ऑप्शन दिया हुआ था, इसे आपको लगा देना था, नंबर आपको मिल जाते चैंपियंस। ऑल राइट, सभी का क्लियर है? चंद्रमणि गुड्डू जी, अजीत कुमार जी, वेरी नाइस। चलिए फटाफट प्रश्न आया करिए स्क्रीन पर, आप लोग कमेंट सेक्शन पे उत्तर दिया करिए। ठीक है, चलिए आइए, दीपाली दत्ता, चलो बेटा लगाओ। आरती वर्मा इज हियर, बहुत बढ़िया आरती, लगाओ बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑब्लिटरेटर टर्म? देखो ऑब्लिटरेट मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना, ठीक है, किसी भी चीज को अगर रिमूव कर रहे हो, है ना, उस चीज को अगर तुम वाइप आउट कर रहे हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं इस चीज को क्या कर दिया गया है, ऑब्लिटरेट कर दिया गया है, राइट। आ जाओ कंस्ट्रक्ट मतलब तो बनाना होता है, एनिहिलेट मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, नष्ट कर देना। तो अभी तुमने देखा मिटा देना, रिमूव कर देना, है ना, ये चीज दी जा रही थी। तो जो सबसे क्लोज तुम्हारा सिनोनिम जा रहा है, दिस इज योर सेकेंड या बी ऑप्शन, राइट। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना, इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना। तो भाई देखो यहाँ पे प्रारंभ करने से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है, ये हटाओ ये हटाओ, बच्चा आपका सेकेंड ऑप्शन, उसे लगाओ, नंबर लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो स्क्रिम, स्क्रिम का मतलब क्या होगा,
सभी लोग लगाओ। यस देवनाथ जी, दिस इज दीपाली दत्ता, चंद्रमणि, बहुत बढ़िया, सभी लोग लगाओ। स्क्रिम्प इज समथिंग रिलेटेड टू कोई भी चीज जो इकोनोमाइज टाइप की है। थ्रिफ्टी जानते हो, कंजूस है, पार्सिमोनियस है ना। आओ, अभी तक कोई व्यक्ति है जो बहुत ही कंजूस है, मक्खी चूस है, राइट, बहुत ही पार्सिमोनियस है। दिस इज जस्ट अ सेकेंड, क्लियर करके लिख देती हूँ उसकी स्पेलिंग और भी। इधर आ जाओ, देखो, दिस इज पारसी, पारसी मोनियस, ठीक है, कंजूस से रिलेटेड है ना, कोई चीज जो बहुत ही थ्रिफ्टी है, इकोनोमाइज, इकोनोमाइज, ठीक है, इसी को थ्रिफ्टी भी कहते हैं। बेटा इधर उठाना क्या था तुमको, इसका अपोजिट, राइट। तो इसका अपोजिट क्या दिख रहा है तुम्हें, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज योर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्क्वैंडर। अभी तक कोई व्यक्ति बहुत कंजूसी से अपने रुपए को खर्च कर रहा है, सत्य प्रकाश जी, राइट। आओ देखो, स्किम्प तो होता है कंजूसी, ये भी कंजूसी से रिलेटेड है, जैसे स्क्रिम्प होता है ना वैसे ही। अच्छा, कंजर्व करना मतलब संरक्षित करना, बचाने से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, है ना, किसी चीज को बचा के रखने की, प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। कंजर्वेशन बहुत बार देखा होगा, आता है पेपरों में। आ जाओ, कर्टेल मतलब कटौती होता है बेटा, एक एक केवल ऑप्शन आ रहा है। स्क्वैंडर, स्क्वैंडर मतलब कोई व्यक्ति जो ज्यादा धन खत्म करता हो। अभी तक स्क्रैम्प में तुम ये देख रहे थे कोई व्यक्ति कंजूस था, मक्खी चूस था, स्क्वैंडर में कोई व्यक्ति वेस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो बस किसी भी चीज को वेस्ट करना, अपव्यय करना, खत्म करना, ये होता है तुम्हारा स्क्वैंडर। क्लियर है सभी को? तो इधर अपोजिट पूछा गया था, हमें अपोजिट लाना था, विलोम लाना था, तो जो व्यक्ति थ्रिफ्टी है उसका अपोजिट स्क्वैंडर जाएगा। चलो आओ, दिस इज गजल, GZZLE, इसका लगाना जरा। ऑलराइट, गजल इज समथिंग रिलेटेड, जो देखो अभी ये हाल फिलहाल में बहुत बार आया है, ध्यान रखना। कभी भी तुम ड्रिंक कर रहे हो ना किसी भी लिकर को, जल्दी जल्दी, है ना, अगर तुम लगातार है बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तुम्हें, तो तुम चीजों को जल्दी जल्दी पी रहे हो, तो उसे गजल कर रहे हो। देखो, कैराउज इज हिंडोला, है ये क्या होता है, इसमें भी तुम एकदम से फटाफट ड्रिंक कर रहे हो, अल्कोहल वगैरह को इंजॉय कर रहे हो खुद को, नॉइजी और लिवली वे में उसे बोलते हैं, हटा दो इसे भी। स्टार्व इज समथिंग रिलेटेड टू भूखा, राइट, भूखे की बात नहीं है। इम्बाइब मतलब किसी चीज को आत्मसात कर लेना, ये भी हटाओ। कॉफ, कॉफ इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट गाइस, कभी ध्यान से देखो, कॉफ में भी ड्रिंक किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है गाइस। देखो यहाँ पे आत्मसात कर रहे हो, यहाँ पे भी ड्रिंक कर रहे हो, इधर भी ड्रिंक करने की बात हो रही थी, केवल एक अपोजिट जो आ रहा है उसमें अभी तक तुम चीजें खा पी रहे थे, अभी एकदम स्टार्व कर रहे हो, भूख मरी है ना, कोई भी भूखा प्यासा व्यक्ति है तो बस भूखा प्यासा इसे लगा देना चाहिए था, यहाँ पर स्टार्व का लगा देते, नंबर तुम्हें मिल जाता, ठीक है। चलो, टू हैव, ओके, तो ही वाज साइन ऑफ रिलीफ, इसके लिए क्या लगाया जाएगा, सभी लोग सोचिए समझिए लगाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो भी बालक अभी लेट में आए हैं एक बार फिर से देख लो गाइस, यहाँ पे देखो क्या होता है। गजल का मीन्स है कोई भी चीज तुम जल्दी जल्दी पी जा रहे हो, ठीक है। आप अगर क्या हो, अगर आप ड्रिंक कर रहे हो लिकर को, बहुत ही तेजी से जल्दी जल्दी कुछ पिए जा रहे हो, तुम प्यासे हो तो पानी को पीना, जो गजल है, ठीक है, ड्रिंक को जल्दी जल्दी पीना, गजल है। तो देखो कैरोज में भी क्या होता है, इसमें भी तुम कुछ पी रहे हो, इम्बाइब में भी कोई चीज लेकर आत्मसात कर रहे हो खुद को, कॉफ में भी होता है ड्रिंक करना, ठीक है। जो नहीं करा जा रहा है वो है स्टार्व, एक ऑप्शन जो निगेटिव है ना वो आ रहा है तुम्हारा स्टार्व, अभी तक तुम पानी पी पा रहे थे, अभी नहीं पी पा रहे हो, भूखे प्यासे हो, ठीक है, क्लियर है सभी का। बहुत बढ़िया पुष्पिका, विभा कुमारी, बहुत अच्छा कर रही हूँ विभा तुम। ये हमारी कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जो अकेडमी प्लस पे भी मेरे साथ है ना, मेरी जो फ्री क्लासेस है उसमें भी बैठती हैं और लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पा रही हैं। आप लोग भी जुड़िए गाइस, मेहनत करिए। चलिए आइए, हीव आ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब क्या होगा गाइस, अगर आप सडनली फील कर रहे हो वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड, है
है ना, कोई एकदम से तुम बाहर हो, एकदम से चोर डकैत तुम्हारे घर में आ रहे हैं और उसके बाद वो बिना कुछ लूटपाट किए, बिना तुम्हारे घर एंटर किए ऐसे ही निकल जाए, तो आप बोलते हैं ना चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेने को ही बोलते हैं ही फा साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, क्लियर है? टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड। तो इधर कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन या बी ऑप्शन? आरती वर्मा, दिस इज विभा कुमारी, पुष्प शिखा, ये हमारी बड़ी रेगुलर बच्चियां हैं, बड़े अच्छे से मेहनत कर रही हैं गाइस। अगर आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करना चाहते हो तो मैं डेली तुम लोगों की क्लासेस लेती हूँ अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे, 1 बजे और रात के 10 बजे। अभी 10 बजे तुम बैठना अनअकैडमी पे ना, और भी अच्छे इंटरफेस हैं उसमें, तुम्हें पोल स्क्रीन पे दिया जाता है, सारी बच्चियां वहां पर मेहनत करती हैं, आप लोग भी जुड़ो। बाकी देखो ये टेलीग्राम का चैनल है, आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इंग्लिश से रिलेटेड, आप इस डाउट को यहाँ पे पुट कर सकते हो। दिस इज t.me शाम्भवी पांडे 5। ठीक है, चलो आओ। ऑन क्लाउड 9 होना इसका मतलब क्या होता है? मयंक रंजन एंड एवरीवन, अरविंद यादव, देखो अगर कोई व्यक्ति सातवें आसमान पर है ना, तो उसको बोलते हैं ही इज ऑन क्लाउड 9, यानी वो बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी है, राइट? तो बस अगर तुम्हारा एसएससी सीजन में सिलेक्शन हो जाए तो यू विल बी ऑन क्लाउड 9, राइट? आप एक्सट्रीमली क्या होंगे, हैप्पी हो गया एट दैट पॉइंट। तो ठीक है, यहाँ पे ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, बचा एक ऑप्शन या पहला ऑप्शन, ऐसे लगा देना है, नंबर आपको मिलेंगे। आइए। शी वॉज अनइजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन अ प्लेन बिफोर। मैंने आप सभी को बता रखा है गाइस, जब मैंने तुम्हें टेंस पढ़ाया था तो क्या बताया था, चंद्र प्रकाश, आरती, स्वर्णिमा कुमारी। आओ देखो गाइस, कभी भी तुम्हें भी कोई भी वर्ब अगर यूज हो रही है और वो बात कर रही है टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट, है ना, कोई भी चीज जो तुम्हारे पास्ट में घटित हो चुकी है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मैं आपको बता दूं, हार्ड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है, इधर नेवर भी लगा हुआ है। चलो देखते हैं हार्ड कहाँ था। शी वॉज अनइजी, वो बहुत ही ज्यादा अनइजी थी, बहुत हेजिटेट कर रही थी, बहुत अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि शी हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर, क्योंकि उसके पहले वो कभी भी एरोप्लेन पे नहीं बैठी थी, है ना, तो उसको डर लग रहा था, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, कोई भी एक्शन जो तुम्हारा पहले ही कभी घटित हो चुका हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते थे, बस चुका था, चुकी थे, चुके थे के लिए, है ना। इधर हैड नेवर बीन लगाओ, नंबर लो, आगे बढ़ो। आज ज्यादा देखते हैं, नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड डस डस डैश, इसको देखना। चलो, नो वन नोज ही एस्केप्ड, गाइस ध्यान से देखना। देखो डैश टू पीसेस ना, ये आपका एक पूरा ईडियम होता है, एसएससी सीजीएल में बहुत सारे ईडियम्स पूछे गए हैं, ये अंदर की बात है, इस प्रश्न पत्र से तुम लोगों को प्रॉपर समझनी चाहिए। डैश टू पीसेस का मतलब होता है किसी चीज को स्मैश कर देना, ठीक है, हाँ जी, डैश मतलब धराशायी कर देना, किसी भी चीज को अगर तुम टुकड़ों टुकड़ों में ले आ रहे हो ना, तो इधर उसको बोलते हैं ये चीज क्या हो गई है, धराशायी हो गई है टुकड़ों में। आना, नो वन नोज हाउ ही, कह रहे कोई नहीं जानता था कि उसने कैसे बचाया, बींग डैश्ड टू पीसेस, यस। तो देखो गाइस यहाँ पे इस पर काम हो रहा है, ठीक है, तो बस इसको पैसिव में लेने जाना था, तो बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते यहाँ पे, इतना करने से नंबर मिल जाता। ठीक है, तो नो वन नोज, किसी को नहीं पता था, हाउ इज ही एस्केप्ड बींग डैश्ड टू पीसेस, है ना, कि कैसे उसने खुद को बचा लिया टुकड़े टुकड़े होने से, ऐसा बोला जा रहा है। चलो अब उसको देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारे सामने। आरती वर्मा कुमारी, विशाल उपाध्याय इज ऑल्सो हियर, विशाल बहुत बढ़िया भाई, निखिल रेड्डी, चलो लगाओ उसको। हाँ जी आरती, अगर तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है ना, फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, अगर तुम लोगों ने कभी इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट देखे हो तो देखो गाइस, जो ऊपर की ओर बल लगता है ना किसी भी फ्लूइड पे, जो एग्जर्ट करता है, एक बॉडी फ्लोट कर रही होती है ना, अब जैसे तुम फ्लोट करते हो ना, तुम पे नीचे से एक बल लगता है, वो बल पता है क्या होता है, वो अपथ्रस्ट होता है, एक उभार होता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, दैट अ लिक्विड और गैस एग्जर्ट्स ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट।
जो द्रव होता है, जो गैस होती है ना, वो आपके ऊपर एक ऊपर की ओर बल लगाती है, उसे अपथ्रस्ट कहते हैं। प्लंज मतलब तो डुबकी लगा लेना, जंप करना, डाइव करना होता है गाइस। तो यहाँ पर डाइव करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। सबमर्ज जब ना तुम पानी के अंदर जलमग्न हो जाओ, तुम्हारी पूरी बॉडी अगर पानी के अंदर है ना, तो आप उसके अंदर हो, यानी आप जलमग्न हो, यानी आप सबमर्ज हो, है ना, उस पे इनंडेट हो। कैप्साइज क्या होता है, ये पलटना होता है, ओवर टर्न करना, टर्न ओवर करना, राइट। तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, बचा एक ऑप्शन, पहला ही हो, इसे लगा दो, नंबर आपको मिल जाएंगे, राइट। क्लियर है गाइस सभी का? आ जाओ, द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कॉन्टेम्प्ट। चलो लगाओ गाइस, कभी भी अगर सरकाज्म का प्रयोग किया जा रहा है, आयरनी इज समथिंग रिलेटेड टू जब आप किसी का व्यंग मजाक बनाते हो, है ना। अगर कभी भी सरकाज्म का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, दूसरों का मजाक बनाने के लिए या उनकी निंदा करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? आइए, सैंक्शन तो मंजूरी होता है भाई, मंजूरी नहीं कहते उसको, हटाओ यहाँ से इसको। फ्लैटर चापलूसी नहीं कर दोगे वहां पे, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा नहीं करोगे, यस। सरकाज्म देखा होगा, बहुत ज्यादा सरकाज्म दिए जाते हैं, कई बार देखा होगा लोग एक दूसरे के लिए बस क्या करते रहते हैं, टांगा टांग खींचते रहते हैं ना, लेग पुलिंग जो होता है, व्यंग करना, कटाक्ष कसना, ठीक है। अरे वाह चंचल कटा गया इज ऑल्सो यार, अरे वाह चंचल, ये चंचल बहुत बढ़िया ऑप्शन तुमने टिक टिक किया है। तो ये ऐसी बालिकाएं हैं जो मैंने जब पहले दिन YouTube पे सेशन लेना शुरू किया था, तब से लेके आज तक ये बालिकाएं, जैसे शिखा हो गई है ना, इसके अलावा मैंने बात करी नेहा रहेजा है, इसके अलावा एक है अभी गौतम करके, शालिनी गौतम, बेटा ये सारी बच्चियां मेरे इधर से YouTube से स्पेशल में गई हैं। 1 बजे और रात के 10 बजे मैं तुम्हारी फ्री क्लासेस लेती हूँ, एक बार जरूर बैठ के देखना, तुम्हें ना फायदा मिले तो बताना के, ठीक है। ये देखो चैनल का नाम है t.me/shyamabhipandey5, एक बार टेलीग्राम पे इसको सर्च कर लो, बढ़िया से तुमको गाइडेंस मिलेगा। और देखो मेरी क्लासेस के थ्रू लगातार बच्चों के सिलेक्शन होते आए हैं, अभी लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता दूं, लास्ट वाला जो SSC CHSL हुआ था उसमें केशव का सिलेक्शन हुआ, लास्ट SSC स्टेनोग्राफर में उर्वशी शुक्ला, आकांक्षा गुप्ता, शापरा बेगम, बहुत अनगिनत बच्चों का सब्सक्रिप्शन के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है। तो बेटा आपको ये कोड दिया हुआ है, 7th of July से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश आज के टाइम बहुत पूछी जा रही है, तो जुट जाओ, लग जाओ। अरे भाभी वाह, सुभद्रा जी इज हियर, माँ सॉरी सॉरी सॉरी, आज आपकी कोई क्लास नहीं ले पाई मैं अनअकैडमी पे, क्योंकि बिजी होने की वजह से फोन ज्यादा यूज नहीं हुआ था, तो अपडेट नहीं लिया था। ऑल राइट सुभद्रा जी, आ जाइए। तो देखते हैं थ्रास करना, बेटा थ्रैशिंग का क्या होगा? हाँ जी सब लोग लगाओ एक बार, ये ऐसी बालिकाएं हैं, देख सकते हैं गाइज आप सभी लोग, आप लोग भी जुड़ो एक बार अनअकैडमी पे, मजा आ जाएगा, बिलीव मी। आइए देखते हैं इसका कैसे करोगे, क्या करोगे गाइज। यस, थ्रैश इज समथिंग, कभी भी किसी को फिजिकली बीट किया जा रहा है ना, उसको मार रहे हो, उसको डिफीट कर रहे हो, उसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिस इज THRASHING, थ्रैशिंग, ठीक है। यस माया, पुष्पा, विभा, आरती वर्मा, यस वेरी नाइस, लगा दो, 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आओ, ये तो बहुत बार एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, आई होप तुम लोग लगा ले जाओगे, लगाना तो जरा, बनाना तो इसको, सभी को लगाना है। देखो कॉन्सेंसस, मैंने बहुत बार बताया गया है, कभी भी अगर कोई भी जनरल एग्रीमेंट होता है ना, तो उसके लिए कॉन्सेंसस का प्रयोग किया जाता है, CONSENSUS। मैंने आपको कई बार बताया है, मिस स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड में ना, जो पेपर तुम्हें कॉपी मिलेगी रफ वाली ना, उसमें जो स्पेलिंग तुम्हें आती है ना, एक बार जरूर लिख लेना, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद ना, हो सकता है तुम्हारी जो आती हुई स्पेलिंग है तुम उसमें कंफ्यूज हो, सो बेटर है ना पहले खुद लिख लिया करो, है ना। कोई भी जो स्पेलिंग आ रही है, पहले अपना शीट, जो तुम्हारी शीट होती है उसमें रफ में कहीं नोट कर लेना, तो तुम्हारे प्रश्न सही बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। आइए, एज फॉर आर सेल्व, अगर हम अपने बारे में बात करें, वी डैश डैश डैश, बहुत ईजी है, बहुत कायदे से लगा सकते हो। चलो वी सब्जेक्ट था, राइट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, तो यहाँ पर दिख रही है, वी वर कंटेंटेड विद, हम संतुष्ट थे, अगर हम अपनी बात करें तो हम संतुष्ट थे किसे, विद अ गुड वॉश, एक अच्छे वॉश से, एक अच्छी धुलाई से, एंड कॉम्बिंग आवर हेयर, और हम अपने बाल धुलने के बाद ना बालों में कंघा कर रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो बस
सब्जेक्ट के तुरंत बाद में तुम्हें हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ दिया हुआ है कहाँ पे, जेड में। तो देखो ये वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, है ना। विद अ गुड वॉश, किससे संतुष्ट थे, एक बहुत अच्छी धुलाई से, तो जेड और वाई का भयंकर पेयर बन रहा था। एग्जामिनेशन में गाइज आपको पेयरिंग बनानी है, फिर रेस्ट ऑफ द जो भी टर्म लिखा हुआ था, फिर बाद में ऑब्वियस बात है जब धुलाई होती है फिर कंघा होता है, तो बस फिर बाद में बालों में कंघा हो रहा है, कॉम्बिंग, कॉम्ब इज समथिंग रिलेटेड टू कंघा, ठीक है। चलो आओ कंफ्यूजन देख लिया, आप देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। रियली मान अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इफ गिव मी लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो मेनी पीपल हु हैव ब्यूटिफुल फेस विद ब्यूटिफुल हार्ट, वाओ दैट्स रियली ग्रेट। पल्लवी शर्मा भी आ चुकी हैं, भावना पाल भी आ चुकी हैं, बहुत से बालक बालिकाएं आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। तुम सब भी जो भी अनअकैडमी पे अभी तक नहीं जुड़े हो गाइस, आप सबको याद रखना है, अगर अनअकैडमी पे तुम लोग भी ऐसे ही जैसे ये बच्चियां तैयारी कर रही हैं, आपको भी करना है, तो मैक्स लाइफ रेफरल कोड है ना, जो अनलॉक कोड है वो तुम्हारा मैक्स लाइफ है, एक बार जुड़ के देखो, ठीक है। अभी तो 6 महीने और 12 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसके अलावा गाइज और ज्यादा इंटरेक्टिव मैनर में अनअकैडमी का जो ऐप है ना, उसमें तुम फ्री में भी क्लासेस कर सकते हो, 1 बजे और रात के 10 बजे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, तो इन फ्री क्लासेस में जरूर से जरूर बैठिए, ठीक है। चलिए आइए, इफ देयर इज, अब देखो क्या बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यस, इफ देयर इज अ चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी, अगर कुछ परिवर्तन है दिमाग की क्रियाकलाप में, ऑफ अ सर्टेन काइंड, देयर हैज टू बी अ कोरिस्पोंडिंग सेंसेशन, ऑब्वियस सी बात है, कह रहा है अगर किसी भी ब्रेन एक्टिविटी में कुछ सर्टेन काइंड का कुछ चेंज है तो वहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग सेंसेशन भी होगा, बिल्कुल सही जा रहा है गाइस यहाँ पे। तो बस इधर जेड के बाद में वाई और वाई के बाद में एक्स, केवल इतना कर लेते नंबर तुमको मिल जाता, राइट, सभी का क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, सोलंकी जी, पल्लवी शर्मा जी एंड एवरी वन, जेड वाई का भयंकर पेयर है, एक्स से कंक्लूजन हो रहा था, इतना लगा देते नंबर तुम्हें मिल जाता। चलो अब इधर देखते हैं, द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड, इसको देखना है इसका क्या करोगे, अरे वाह भाई वाह, सुलंकी जी बहुत मजा आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी भी आप लोगों को देखो हमारी बालिकाएं बताती है, गाइज मोर लाइक एंड शेयर द सेशन, ओके श्रीनिवास जी इज हियर, श्रीनिवास जी आपका जो पेपर है ना 13th of August नेक्स्ट आपका जो मंथ है उसमें पेपर अभी होने वाला है, चलो सभी लोग लगाओ इसको, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यस। चलो देखो फायर डिस्ट्रॉयड, देखो डिस्ट्रॉयड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अब इसका कन्वर्जन क्या जाएगा वॉज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो बस यहाँ पे होल नेबरहुड उठा लिया, फिर वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करो बाय द फायर, इतना कर देने से आपको नंबर मिल जाएंगे, सेकेंड या बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस आरती, एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है, एसएससी सीजीएल का सेट पेपर है, मैं आपको दिखा देती हूँ जस्ट अ सेकेंड, ये देखो टाइम एंड डेट, ये देखो यहाँ पे 2017 का पेपर चल रहा है, मॉर्निंग 10 AM से 11 AM वाली शिफ्ट का, ठीक है, क्लियर है सभी का, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न भी आए हैं आरती, तुम लेट में ज्वाइन हुई हो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको देखते हैं, ये भी डन, एक्यूज सेड टू द जज लेट मी मीट माय चिल्ड्रन बिफोर आई डाई सर, वाओ, इसको देखते हैं इसका क्या करोगे, तो ऑफ बैक जैसे पुष्पिका माया आरती, यस गाइस यहाँ पे बस एक केवल आना है, देखो सर लिखा हुआ है राइट, सर से मैंने आपको बताया है कभी भी सर या मैम लिखा करे ना तो रिक्वेस्टेड कर देते हैं हम लोग सेट टू को, तो द एक्यूज जो आरोपी था उसने रिक्वेस्ट किया जज से, अभी देखो 2+V1 कर दोगे, टू लेट हिम मीट हिज चिल्ड्रेन, है ना, अब एक्यूज जो एक व्यक्ति है मैस्कुलिन का थर्ड पॉप थर्ड पर्सन का सब कुछ लगा दो, तो बस मीट हिज चिल्ड्रेन बिफोर ही डाइड, है ना, तो जो आरोपी था वो जज से गिड़गिड़ा रहा है, क्या कह रहा है कि प्लीज सर लेट मी मीट, मुझे मिलने दीजिए मेरे बच्चों से बिफोर आई डाई, क्योंकि उसके बाद तो मैं नहीं मिल पाऊंगा बच्चों से, राइट, ये वाला कंसेप्ट है, तो बस सर और मैम कहीं पे भी दिखा करो तुरंत ही रिक्वेस्टेड में बदल दिया करो, क्लियर है यहाँ तक सभी का, विशाल मैम लेकिन जज है तो बैग धोना चाहिए ना, बेटा भीख नहीं मांगी जाती है, गलत बात है,
देखो यहाँ पे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विशाल उपाध्याय, ध्यान से देखो, सर या मैम लगा अगर कहीं पे भी तुम्हें दिख जाए, ठीक है, इसका मतलब है वो रिक्वेस्ट, उससे प्रार्थना की जा रही है, भीख नहीं मांगी जा रही है उससे। याद रखिएगा नरेशन का एक नियम है, सर और मैम देखते ही रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करना है, ठीक है। हाँ जी, भीख मांगने की बात नहीं है यहाँ पे। आ जाओ तो देखते हैं जिम क्रो। अभी जो जिम क्रू है उन्होंने शन किया, उन्होंने रोका माउंटेन को, माउंटेन्स को, पहाड़ों को, फॉर रीजंस। कारण क्या था? सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ, उनके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री था। नॉट सो द, अभी एक एक करके मैं बता दूं, मैकपी जो होता है ना, ये मैकपाई एक लॉन्ग टॉल्ड क्रो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रो की बात नहीं है, हटाओ उसको। शिखा मैम कुछ दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड पूछ लेते हैं। बेटा आप में से जो भी बालक बालिकाएं बैठे हुए हो मुझे एक बार बता देना कि क्या मैं आपको ऑडिबल एंड विजिबल हूँ? गोली की रफ्तार में देखो, मेरे एंड से तो सब कुछ क्लियर है। यस मैम विजिबल। ऑलराइट, सभी को बताना है, सभी को बताना है। श्री हर्ष कह रहे हैं यस मैम, गौरव सिंह भी कह रहे हैं यस मैम, अजीत, माया, निशी, एवरीवन इज सेइंग यस मैम। बेटा आप एक बार अपनी नेट की कनेक्टिविटी चेक कर लो या यूट्यूब वाली ऐप को रिफ्रेश कर लो, ठीक है बेटा। शिखा एक बार एक काम करो, आ जाओ मैथन। तो जिम क्रू जो है ना, इन्होंने रोकथाम करी है माउंटेन्स पे, फॉर रीजन, कारण क्या है? सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ, नॉट सो द, इसलिए नहीं कि जो मैकपी जो कौआ है, रावन भी एक प्रकार का क्रो होता है, एंड और दैट मिसचीफ मेकर, मिसचीफ मेकर अ पर्सन जो कि गलतियां करता है, ट्रबल को क्रिएट करता है, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, कि जो जिम क्रो है उन्होंने रोकथाम की माउंटेन्स की, फॉर रीजन, सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ, नॉट सो द मैकपी, रेवन एंड दैट मिसचीफ मेकर, क्लास नट क्रैकर। क्लास नट क्रैकर कौन है? ही इज 1892, ये टू एक्ट बुलेट है, ठीक है। तो यहाँ तक भी इन्होंने क्यों रोका है इसके बारे में बात हो रही है। ऑल ऑफ विच, जिनमें से सारे के सारे, कीप्स द बर्ड लवर, जितने भी बर्ड लवर थे, पक्षी के जो प्रेमी थे, रखते थे फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइजेस। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक्सटेसी मतलब परमानेंट होता है सर, सरप्राइज जो आश्चर्य है ना, उसका जो परमानेंट रखते थे, अंटिल ही हैज, जब तक ही उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया देखते हैं, अकस्टम टू हिज चेंज एनवायरमेंट ही हैज, गाइस हैज हैड के साथ में तो हमेशा पता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बिकेम होगा, नहीं बिकम हो नहीं जाएगा, केवल एक ऑप्शन है, बिकेम, बिकम, बिकम, राइट। आ जाओ देखते हैं, अरे तुम कम केम कम जानते हो ना गाइस, सेम उसी पैटर्न पे रहता है ये वाला भी, तो बिकम, इधर आओ, बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकम लगाओ, नंबर लो, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सभी को रीजन लॉजिक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। यस यस यस, राम राम जी, राम राम गणेश गुज्जर जी, यस मैम, ऑल क्लियर, ऑल राइट आरती। आइए देखते हैं, तो देखो ही हैज बिकम अकस्टम टू, वो आदि हो चुके थे अपने परिवर्तित एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड। वन कैन नॉट हेल्प, अब कोई नहीं कर सकता हेल्प, देखो ध्यान से, हेल्प के बाद में ना वर्ब में आईएनजी यूज होता है, ठीक है, जीरंड फॉर्म। हेल्प हमेशा अपने बाद में ना क्या करती है, हेल्प, हेल्प हो गया, लेट हो गया, है ना, ये सारी की सारी अपने बाद में ऑब्जेक्ट इन्हें चाहिए होता है, ठीक है, ये तुम्हारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसे वर्ब देखो, वर्ब में आईएनजी लगा के इसका तुम जीरंड कर सकते हो। आओ, तो वन के नॉट हेल्प, कोई नहीं खुद को रोक सकता है, फॉलिंग इन टू द स्पेक्युलेटिव मूड इन अ व्यू ऑफ शार्प कॉन्ट्रास्ट, कह रहे हैं कि कोई भी खुद को नहीं रोक सकता, जो इतना विशेष प्रकार का इनका मूड होता है, शार्प कंट्रास्ट, जो मतलब कंट्रास्टिंग है ना रंग की और सबकी, इसके आगे देखते हैं, कंट्रास्ट के बाद में क्या होगा, द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड, ऑल राइट, तो कंट्रास्ट के साथ में क्या होगा, कंट्रास्ट बिटवीन, है ना, जो काला पीला, काला और व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक जो होता है ना, बोलते हैं व्हाट अ कंट्रास्ट, राइट। तो बस कंट्रास्टिंग के लिए दो चीजों के बीच में कंट्रास्टिंग होती है, और अभी अभी जस्ट शुरू में मैंने बताया गाइस, कभी भी अगर दो चीजें होती हैं तो दो के लिए प्रपोजिशन क्या आता है, बिटवीन, मोर देन टू अगर होता है तो अमंग, ठीक है। तो बस यहाँ पे कंट्रास्ट के साथ में बिटवीन द बर्ड्स ऑफ, आगे भी देख लो गाइस, ईस्ट एंड वेस्ट लिखा हुआ है,
एंड भी लगा हुआ था, तो बिटवीन के साथ में पेयर क्या जाता है? बिटवीन एंड जाता है ना, ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है, दो चीजें भी दी हुई हैं। आगे देखते हैं, तो जो शार्प कंट्रास्ट था, जो बिल्कुल परिवर्तन था बिटवीन द बर्ड्स ऑफ ईस्ट एंड यस, फटाफट लगा दो सिंगुलैरिटी के लिए। कभी भी अगर तुम्हें कंपैरिजन करना होता है गाइस, इधर देखो सिंगुलैरिटी एंड प्लुरालिटी बर्ड्स के बारे में बात आ रही है ना बेटा, बर्ड्स प्लूरल था तो दो ऑफ। तो बस यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखो, कंट्रास्ट बिटवीन द बर्ड्स जो पक्षी हैं ईस्ट के एंड दोज ऑफ द वेस्ट, इसमें बहुत बढ़िया कंट्रास्ट है ऐसा बोला जा रहा है, राइट? कंट्रास्ट, विभा विभा कंट्रास्ट, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का मैचिंग जानती हो क्यों? कंट्रास्ट इज समथिंग रिलेटेड टू विपरीत, ठीक है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक दूसरे के लिए, मतलब कोई मैं बोलूँ इन दो चीजों में अगर डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन पीपल थिंग्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड, ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा कंट्रास्ट मतलब विपरीत होता है, इतना केवल लगा देना था, नंबर आपको मिल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी का? बढ़िया वाला गोली के सर में बता दो भाई एक बार। ये देखो गाइस, आपको अन अकेडमी की ओर से एक ऑफर दिया जा रहा है, अगर आपको नहीं पता, एसएससी का नाउ और नेवर धमाका है, यानी एक साल के पैक पे तुमको अभी प्लस 6 मंथ मिल रहा है, और सुनो प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है, अन अकेडमी पे रुपए भी बढ़ने वाले हैं। अगर तुम लोगों को जुड़ना है, एक काम गाइस केवल इतना सा करना, ये मैक्स लाइव कोड है, ठीक है, अगर तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट में, जिस तरह से इन मालिकों को हुआ है, अगर तुम्हें भी डिस्काउंट में सब्सक्रिप्शन चाहिए, राइट, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर देखो 10% इस कोड से मिल जाएगा, है ना, आपको कॉइन मिल जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट में कैसे सब्सक्रिप्शन डन करना है, इसके लिए इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है, समझ में आया? चलो आओ, आज का मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया लगा होगा, काफी फ्रूटफुल है गाइज ये मॉक टेस्ट आपके लिए, आप लोग खुद इस चीज को फील करते हो, लगातार मुझे बच्चों के ओपिनियंस आते हैं, स्पेशली जिन बच्चों के एग्जाम क्लियर होते हैं ना, सब मुझे मैसेज करके कहते हैं कि मैम आपका मॉक टेस्ट सीरीज डन किया मैम, बहुत हेल्प हुआ। तो भाई तुम लोग भी अभी अपकमिंग पेपरों के लिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, चलो आओ। अब गाइज यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ तुम्हारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो गाइज क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार बोली की रफ्तार में मुझे बताओ गाइज, आर यू रेडी? यस यस मैम, यस मैम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे तुम्हें डील करने हैं। आर स्कूल इज विद इन अ स्टोन थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन, क्या कह रहे हैं कि जो मेरा स्कूल है वो, बेटा अगर तुम पत्थर को पूरी तबीयत से भी फेंकोगे ना तो वो बहुत दूर नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जो हमारा स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से काफी दूर ना होके पास में है ना, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, अगर तुम पत्थर फेंकते भी हो तो वो बहुत लंबी दूरी नहीं कवर कर पाता है, तो बस सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। पुनीत शर्मा, भावना पाल मैम अब ठीक से दिख रहा है, अच्छे से मैम, ऑल राइट शिखा, हाँ नेट की कनेक्टिविटी आपकी ब्रेक हुई होगी बेटा, यस विभा कुमारी, वेरी नाइस, अजीत शेयर करो यार वो क्लास मैम का इतना अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच अजीत एंड एवरी वन बेटा, आप सभी लोग मैं देखती हूँ लगातार, आप लोग काफी क्लासेस शेयर करते हो मेरी, है ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ऐसे ही शेयर करते रहो, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? आइए, टाई टू द अप्रॉन स्ट्रिंग्स ऑफ, बोलते हैं ना जोरू के गुलाम हूँ क्या, ठीक है, तो देखो एप्रॉन स्ट्रिंग्स, एप्रॉन मतलब जो खाना बनाने के टाइम पे एक वस्त्र पहना जाता है वो एप्रॉन होता है, देखा होगा तो मोने शेफ वगैरह ऊपर पहने रहते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति एप्रॉन की स्ट्रिंग्स धागों में या डोरियों में बंधा हुआ है, यानी वो क्या है, वो दूसरों के द्वारा डोमिनेटेड बाय है, तो बस ध्यान रखिएगा कभी भी कोई व्यक्ति अगर टाइड टू द अप्रॉन स्ट्रिंग्स ऑफ है, इसका सिंपल सा मतलब है वो डोमिनेटेड है किसी दूसरे के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? मजा आ रहा है? बिल्कुल सुमन गुज्जर, बहुत बढ़िया बात है। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लाइंड एली, इसका क्या मतलब होगा, क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन पे लिखते चलो, बताते चलो। और एक बात बता दूं, अभी ना इसी से तुम्हारे पेपरों में अपकमिंग फंसेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसे ही अंधी गली कहते हैं, है ना, बोलते हैं ना कहाँ चले जा रहे हो अंधी गली में, अंधी गली मतलब एक जिसका डेड एंड है, ठीक
है ना। तो कोई भी चीज जो विदाउट होप है, विदाउट प्रोग्रेस है, विदाउट सक्सेस है, उसको ब्लाइंड एले बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। अंधी गली यानी अनप्रॉफिटेबल एक्शन, राइट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलना है, कोई प्रॉफिट नहीं आना है, उसे बोला जाता है ये डेड एंड है। इसी को डेड एंड भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं विदाउट एनी प्रोग्रेस, विदाउट एनी सक्सेस, यानी वो अनप्रॉफिटेबल एक्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक, जंगली बिल्लियों की कुछ लड़ाई चढ़ाई चल रही है, जरा लगाना फटाफट। हाँ जी, जंगली बिल्ली हड़ताल का मतलब क्या होगा? कितने से मिल जाती है? भाई गणेश गुज्जर, गुज्जर जी मैं आपको बता दूं, मेरी जो क्लास होती है ना डेली यूट्यूब पे 8 बजे हुआ करेगी। आज के बाद डेली 8 बजे शाम को मुझसे मिलना, ठीक इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा अगर तुम लोग अनअकैडमी पे नहीं जुड़े हो तो देखो, मैं 1 बजे और रात के 10 बजे ऐसे ही क्लासेस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉक टेस्ट होते हैं तुम्हारा। CHSL का पेपर जो है, अगर तुम्हें करना है तो 1 बजे जुड़ो। SSC स्टेनोग्राफर का करना है तो रात के 10 बजे मिलो, ठीक है? उधर और भी इंटरेस्टिंग होता है, पोल आता है स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को चूज करना होता है, ठीक है? इसके अलावा जो कोड है जिसके थ्रू तुम्हें डिस्काउंट, वो भी मैक्सिमम आपकी क्लास में भी देखा होगा, सबसे पहला कुल किस सागर का मैसेज आया था गाइस। तो ये ऐसे बालक बालिकाएं हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे जुड़ने टाइम अपना कोड यूज किया और मैक्सिमम डिस्काउंट पाया है। तुम लोग भी करो। स्वर्णिमा श्रीवास्तवा, बेटा देखो, तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? फटाफट सोचना था, समझना था, लगा देना था गाइस। ये होता है एक सडन स्ट्राइक, है ना, विदाउट एनी वार्निंग बाय द वर्कर्स एंड ऑफन विदाउट द ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ द यूनियंस। ठीक है, जो यूनियन होता है ना, ट्रेड यूनियन, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, तो वही होती है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। द स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन, ठीक है, उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हो, वाइल्ड वाइल्ड कैट स्ट्राइक। थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन लगा दो, नंबर मिलेंगे। बिल्कुल, SSC CGL CHSL स्टेनोग्राफर UPSC CDS सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? चलो, डोलड्रम शब्द बहुत बार आता है एग्जामिनेशंस में, इसको देखो जरा क्या करोगे। टू बी इन द डोलड्रम्स, इसका मतलब क्या है? देखो, डोलड्रम मतलब निराशा होती है, ठीक है, ध्यान रखना, कई बार पेपरों में आया है। तो डोलड्रम इज समथिंग रिलेटेड टू निराशा। तो कोई भी व्यक्ति अगर कैसा सा है, टू बी इन द डोलड्रम है, यानी वो बहुत ही लो स्पिरिटेड है। लो स्पिरिट मतलब भी होता है कोई व्यक्ति बहुत ही निराश है, उदास है ना, सलेन है, सैड है। तो बस विद इन डोर्स प्रेज नहीं हो रहा है, क्राइसिस की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर निराश है, डोलड्रम्स है, तो उसके लिए वो लो स्पिरिटेड में है ना, इतना लगाओ। आ जाओ, ई का आउट करना, ये बड़ा प्यारा शब्द है, कई बार एग्जामिनेशंस में आया है। चलो देखते हैं क्या करने वाले हो, सभी लोग लगाओ। देखो, ईक आउट मतलब होता है कभी भी कोई भी चीज अगर तुम मैनेज कर रहे हो, है ना, मेक कर रहे हो, कोई भी कमी अगर है उसको सप्लीमेंट रूप में ले रहे हो, है ना। तो बस ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सप्लाई को आप मेक कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर तुम बना के रख रहे हो, थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सब्स्ट्रैक्ट, तो माइनस करना होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इच इच मतलब होता है एंग्रेव करना, किसी चीज को कहीं पे खोदने की बात है, कार्व करना, खोदना, ये हटाओ। आउस्ट, आउस्ट क्या होता है ना गाइस, कभी भी कोई भी चीज अगर निकाल दी जाए, एक्सपेल कर दी जाए, बेदखल कर दी जाए, ठीक है, तो देखो बेदखल होगा नहीं यहाँ पे, है ना। इंग्रेविंग है, गड्ढा खोदने की बात है, नहीं माइनस करने की बात है, नहीं। एक आउट मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर यूज करना, ठीक है। हाँ जी, तो बस लगा दो, नंबर मिलेंगे। आ जाओ, PSRT अजीत पुनीत शर्मा लगाइए। जितने लोग क्लास में बैठे हुए हो, सबसे पहले एक एक थंब इम्प्रेशन दे डालो, कम से कम मिनिमम 100 लाइक्स तो होने चाहिए गाइस। पिछले जितने सेशंस गए हैं हमेशा 100 लाइक्स होते हैं, फटाफट लगा दो। चलो, आप अगर आप जानते हैं कि किस साइड ब्रेड इज बटर्ड ऑन, इसका मतलब क्या है? सभी लोग लगाओ। टू नो विच साइड द ब्रेड इज बटर्ड ऑन, इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, बी अवेयर ऑफ वेयर वंस बेस्ट इंटरेस्ट लाए, है ना।
अगर आप जान रहे हो, समझ रहे हो कि किसी व्यक्ति का जो बढ़िया वाला इंटरेस्ट है ना वो कहाँ लाए कर रहा है, उसके लिए पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन आपको लगा देना था गाइस, नंबर आपको मिल जाते हैं। अजीत कुमार। ऑल राइट चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अकिल्स हील मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, करवाया है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा प्रश्न है लगाना। यस श्रीवास्तवा केशव। देखो गाइस, अखिल्स हील, अखिल एक तुम्हारा मेथोडोलॉजिकल एक कैरेक्टर है, राइट। उसकी माँ ने उसको एक नदी में, नदी जो बहुत ही पावरफुल नदी थी, बहुत शक्तियों से भरी एक नदी थी, गंगा, जैसे हमारे यहाँ गंगा जी बोलते हैं ना, गंगा जी नहाओ मैल धुल जाएंगे, वैसे ही वो नदी बहुत पावरफुल थी। तो उसकी माँ ने ना उसको हील से यानी एड़ी से पकड़ के ना डुबो दिया। तो केवल अखिल की जो हील बची थी, पूरी अंदर की बॉडी तो बहुत पावरफुल हो गई थी, लेकिन जो केवल हील थी वो उसका वल्नरेबल पॉइंट बचा है ना, कमजोर पॉइंट बचा, क्योंकि वो पानी में डूब नहीं पाया, राइट। तो ध्यान रखना, अखिल हील का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का सबसे कमजोर पॉइंट, ठीक है, ससेप्टेबल स्पॉट है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो बहुत ही कमजोर है उसको लगाएंगे। ऑल राइट अखिल सील डन। चलो, बिटवीन सेला एंड कैरिबिडिस गाइस, इधर कुआं उधर खाई, तुमने तो बहुत अच्छे से सुना ही होगा, राइट। चलो लगाना जरा इसको, ये ना स्काइला एंड जो कैरिबिडिस है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी बीइंग बिटवीन द सेला एंड कैरिबिडिस, दिस इज एन इडियम जो डिराइव हुआ है ग्रीक मेथोलॉजी से, जिसका मतलब होता है टू चूज द लेसर ऑफ टू एविल्स, है ना। अगर तुम्हारे पास दो, इधर कुआं उधर खाई, यानी दो खतरे हैं, अब उनमें से तुम्हें मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि किधर जाएं क्या करें। देखो, हिल या पहाड़ नहीं है, नदी नहीं है, दुश्मन नहीं है, खतरे हैं, इधर भी जाओ तो भी खतरा, उधर भी जाओ तो भी खतरा, ये बात हो रही है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, बिटवीन सेला एंड कैरिबिडिस का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति दो मुसीबतों के बीच में फंसा हुआ है। क्लियर है सभी का? चलो आओ गौरव। वूल गैदरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म गाइस? वूल गैदरिंग का मतलब क्या होता है? यस गाइस, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है ना, अगर दीवार स्वप्न देख रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, इंटेलिजेंस इन आइडल डे ड्रीमिंग, कोई भी व्यक्ति अगर दीवार स्वप्न देख रहा है, यानी वो वूल गैदरिंग कर रहा है ना। हाँ जी, तो बस यहाँ पे फटाफट लगा देते हैं कि एंगेज होना इन आइडल और एमलेस डे ड्रीमिंग, बस ऐसे कर देते गाइस। कोई भी व्यक्ति अगर बिना बात के डे ड्रीमिंग कर रहा है, एमलेस एक्टिविटीज कर रहा है, उसे लगा दो कि नंबर आपको मिल जाएंगे, राइट। क्लियर है गाइस यहाँ तक? चलो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग गाइस और भी इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपको करने हैं तो डेली आप अनअकैडमी पे जुड़ो। इसके अलावा मैंने यही इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अनअकैडमी प्लस पे करा रखे हैं। बेटा, आपको अगर अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना है, मेहनत करनी है, देखो आज के टाइम पे इंडिया के जितने टॉप एजुकेटर हैं, कभी अगर तुमने नहीं देखा हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को, तो एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाउ अनअकैडमी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर योर इंस्टीट्यूशंस और जितने भी तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे अनअकैडमी संस्था कैसे अलग है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, यहाँ पे तुम्हें बता दूँ, ये सारे एजुकेटर तुम्हें पढ़ने को मिलते हैं, कौन से, ये देखो टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस आपके लिए प्लान कर दिए गए हैं, इन सबसे तुम पढ़ सक पाओगे, पता है बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? 30+ एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, 70+ आपको प्रॉपर एजुकेटर मिल रहे हैं, 30+ अनलिमिटेड एक्सेस टू बैच कोर्सेज, यानी जो समय समय आपके अपकमिंग CGL CHSL स्थानों के लिए, जो CPO के लिए पेपर आते हैं ना, उनके लिए बैचेस प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो बैचेस, ऑल स्टार्स बैच है, इसके अलावा CET ब्रह्मास बैच कोर्स है, इसके अलावा संकल्प 1000+ बैच कोर्स है, सफलता बैच है ना गाइस। यहाँ पे ध्यान से देख लो, प्राइस हाइक होने वाला है, तुम्हारा रुपए बढ़ने वाला है, अनअकैडमी पे जुलाई महीने में ही रुपए बढ़ जाएंगे। तो गाइस, अगर तुम ये चाहते हो कि रुपए ना बढ़े और तुम सब्सक्रिप्शन डन कर लो, तो देखो यहाँ पे एक कोड मैं बताने जा रही हूँ, उस कोड का भरपूर प्रयोग करो। और अभी तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा, पता है क्या चल रहा है, सोचो इतने टीचर मिल रहे हैं, 24/7 पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट के तुम्हें 10-15 एजुकेटर्स मिल जाएंगे, आप
आपको इनमें से सबसे बेस्ट जिनसे समझ में आया तुम खुद पढ़ सकते हो। टोटल 70+ टीचर हैं, एक सब्जेक्ट का तुम्हें 10 से 15 टीचर मिलेगा। अनअकैडमी का भी एक प्रॉमिस ऑफर चल रहा है जिसमें 1 साल पे तुम्हें 6 मंथ फ्री मिल जाएंगे। सोचो 6 महीने पूरे इतिहास में, मैं 3.5 साल से अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ गाइस, 6 मंथ और 12 मंथ कभी अनअकैडमी पे फ्री नहीं दिया गया है। अगर आपको ये सारी चीजें फ्री दी जा रही हैं तो क्या करना है ना, ध्यान से देखो, जुड़ो, मेहनत करो और इस बार SSC आर्या पार करो। इसके अलावा गाइस आपको देखो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दे रही हूँ, thisist.me/shambhavipandey5। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी डाउट हो, मेरी जो फ्री क्लासेस हैं गाइस 1 बजे और रात के 10 बजे, अभी रात के 10 बजे तुम्हारी एक और क्लास होगी। ठीक है, तो तुम में से जिन जिन को जुड़ना है, जो जो मेहनत करना चाहता है, जो सीरियसली चाहता है इस बार भाई SSC निकालना ही निकालना है, राइट, तो जुड़ो, मेहनत करो और इस मेहनत से आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? t.me/shambhavipandey5, ये जो टेलीग्राम लिंक है सभी को प्रॉपरली पता चल गई, 1 बजे और रात के 10 बजे आपको फ्री में क्लासेस दी जाती हैं। इसके अलावा गाइज ये है कोड, दिस इज मैक्स लाइफ, इस कोड का प्रयोग करो, सब्सक्रिप्शन डन करो और इस बार SSC आर्या पार करो। ठीक है, ओके गाइज, चलो मिलते हैं अब रात के 10 बजे, तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए गाइज। ओके, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।